जय माता दी दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों फिर से आज एक नई वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि सुबह उठते ही सबसे पहले कौन सा कार्य करना चाहिए। वैसे तो बहुत सारे कार्य होते हैं करने के लिए, पर सबसे पहले जब भी आप उठें तो आपको ये कार्य करना है। रात को आपको एक लोटा लेना है, वो भर के रखना है, अपने मंदिर में रख दें उसे भर कर। और दोस्तों सबसे पहले उठते ही साथ अपना हाथ मुँह धोएं और उसके बाद अपनी दोनों चौखट पे ये पानी डाल के आना है आपको। आधा आधा करके डाल दें दोस्तों, इससे बहुत लाभ मिलता है, लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। और दोस्तों ऐसा माना जाता है कि आपके घर की चौखट पे आपके पितृ वास करते हैं और उन्हें पानी पिलाना बहुत शुभ होता है। इसलिए जब भी उठें सुबह तो अपना लोटा उठाएं और दोनों चौखट पे डाल दें। दोस्तों आपने देखा होगा सुबह सुबह बहुत सारे घर होते हैं जिनकी चौखटें गीली होती हैं, वो यही उपाय करते हैं जिससे पितृ प्रसन्न रहते हैं, लक्ष्मी जी का वास रहता है घर में। दोस्तों पितृ प्रसन्न होते हैं तो सारे कार्य अपने आप ही बनते चले जाते हैं। तो इसलिए आप एक लोटा भर के रखें अपने मंदिर में, लोटा छोटा है तो छोटा ले लें। और दोस्तों लोटे में अगर आप थोड़ा सा गंगा जल डाल सके तो बहुत शुभ रहेगा, नहीं तो आप सिंपल पानी से भी कर सकते हैं ये उपाय। बहुत ही छोटा और सरल सा उपाय है। रात को सोने से पहले एक लोटा भरकर अवश्य रख दें घर में। जहाँ मंदिर है आपका, मंदिर नहीं है तो आप कहीं भी रखें, किचन में रख दें। और सुबह उठते ही सबसे पहले जाकर अपनी चौखट पे ये पानी अवश्य डालें, घर के दोनों तरफ डाल दें और प्रणाम करें। आपके पितृदेव प्रसन्न रहेंगे तो घर में सारे कार्य बनते जाएंगे। तो दोस्तों ये थी बहुत ही छोटी सी वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें और ये उपाय करके देखें दोस्तों, कुछ दिन करके देखें, आपको अपने आप ही लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।